तो लिख लिए ना। देखिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और आर्टिकल ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं, समझा भी। और एडजेक्टिव आप कुछ अपने तरफ से लिखेंगे, अपने तरफ से मतलब मैंने बताया था एडजेक्टिव इज एट द सेम टाइम्स व्हाट एवर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एडजेक्टिव के प्रकार उतने होते हैं जो कि प्रोनाउन के होते हैं। तो आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो आप लोग उसको भी लिख लीजिए, मतलब जो हम टाइप्स लिखाए हैं वो तो हम समझाने के लिए, वो सारे टाइप्स उसी में आए, तो आप सेपरेटली भी लिखिएगा, केवल इतना ही नहीं पूरी इतना लिखते बस लिख के मेरा बात है ना, तो ऐसा मत कीजिएगा, आपको डिटेलिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक, अब आगे आपका आता है क्रिया। हालांकि ये मेरा क्रिया ही है कि मैं क्रिया के बारे में बार बार प्रक्रिया करना, और आपको तो समझ में नहीं है। क्रिया मैंने नाइन्थ में भी पढ़ा था, हालांकि नाइन्थ में डिटेल में पढ़ाया पार्ट सर्विस पे, और उस समय पढ़ाते समय ही बोले थे कि फिर पढ़ाएंगे डिटेल, लेकिन उबाऊ आ जाता है जब उसी लोग को वही मुर्गा वही टंगली वही कबाब है ना, दाल मखनी न मिले तो फिर वही समस्या होती है। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते इसलिए टीचिंग में मज़ा नहीं आता, वन वे टीचिंग होती है, वही काम वर्षा जब किसी सुखानी वाली हाल रहेगा तो काम। देखिए क्रिया, अगर हिंदी में क्रिया की परिभाषा कहें तो क्रिया होता क्या, क्रिया वो जो कर्ता द्वारा किया जाता है या क्रिया वो जो कर्म पर घटित हो, दोनों तरीके से क्रिया को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज द वर्क विच हैपेंस ऑन द ऑब्जेक्ट आर डन बाय सब्जेक्ट। क्रिया वह शब्द होता है जो कर्म पर घटित होता है या कर्ता द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं क्रिया। जैसा कि आप इसकी देखिए आपको ब्लैकबोर्ड पर देखिए, द वर्क इज एक्शन विच इज हैपेंस ऑन द ऑब्जेक्ट आर डन बाय सब्जेक्ट कॉल्ड वर्क। इसका मतलब क्रिया वह क्रिया द वर्क क्रिया वह प्रक्रिया या क्रिया जो घटित होती है कर्म पर या जो किया जाता है कर्ता के द्वारा वो क्या कहलाता है क्रिया का। ठीक, ऐसा है जैसे चलना फिरना दौड़ना बोलना बनियाना करियाना चिल्लाना नहाना धोना ये सब क्या है क्रिया ही है कि नहीं, नकारना हकारना सब क्रिया है वर्क। एंड क्रिया मोस्टली टाइप्स में बताते हैं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं दो, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को बोलते हैं हम सकर्मक सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव को बोलते हैं हिंदी में सकर्म, इसमें नाम ही है सकर्मक, ऐसा ऐसी क्रिया इसमें कर्म साथ में, स मतलब होता है साथ समेत चिंता हुआ सम्मिलित, स का बहुत मतलब स ऐसा उपसर्ग है जो कई शब्दों को निर्मित करता है। ठीक, तो सकर्म हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, द वर्क विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, वह क्रिया जिसमें जिसका अपना वाक्य होता है किसी का, इसका अपना कर्म होता है किसी वाक्य, वो क्रिया क्या कहलाता है सकर्मक। जैसे ही इज ईटिंग, ईटिंग यहाँ पर क्या है मेन वर्ब, लेकिन क्या सेव ये क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का कर्म उपस्थित वो वाक्य क्या कहलाता है सकर्मक। या सेंटेंस विच हैड वर्ब हैज इट्स ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसा वाक्य या एक ऐसा वर्ब जिसमें उसका ऑब्जेक्ट कर्म उपस्थित हो क्या कहलाता है सकर्मक। ठीक, समझ में आई बात, और सकर्मक वाक्य सकर्मक क्रिया तो मुझे सकर्मक क्रिया क्या है तो ईटिंग, क्यों क्योंकि ईटिंग क्या है से वह खाता है, पता नहीं वो खाता है क्रिया कर रहा है, क्या खा रहा है पता नहीं है ना, टंगली कबाब खा रहा है कि इंसान का मांस खा रहा है पता नहीं खा रहा है, मांस बच्ची है कि नर बच्ची है पता नहीं चलता। ठीक, लेकिन भक्षण कर रहा है तो भक्षण नहीं क्या भक्षण कर रहा है वो क्रिया हो आपका, तो वो आपका क्या कहलाता है सकर्मक। ठीक, और अकर्मक सीधी सीधी बात इसमें याद के शब्द से ही पता चले अकर्मक, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना बिना कर्म हो है ना अकर्म। द वर्ब विच हैज नॉट इट्स ऑब्जेक्ट कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, आई का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, तो समझ रहे हैं ना। यस सर।
बहुत समझदार है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जिस वाक्य का अपना कोई कर्म नहीं, केवल क्रिया ही हो, वो वाक्य क्या कहलाता है? अकर्मक, या इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजिटिव। द वर्ब विच हैज नॉट इट्स ओन ऑब्जेक्ट आर नॉट इट्स ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एनी डाउट? उन्होंने यहाँ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासतौर से आपका ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंस है इन द पॉइंट्स ऑफ व्यू व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द अपकमिंग पार्ट्स। मतलब जब आप वॉयस पढ़ोगे तो सेंटेंस का ट्रांजिटिव वर्ब ही होना चाहिए। वॉयस मतलब वाच, मतलब एक्टिव और पैसिव इसमें होते हैं। वॉयस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस व्हिच इज सेड एज द एक्टिव मैनर और द ऑब्जेक्टिव मैनर और पैसिव मैनर दैट इज कॉल्ड वॉयस। वाच जो हम कहते हैं करने का तरीका है, ठीक। और वॉयस में आपके इस सेंटेंस का, अगर सेंटेंस एक्टिव में ट्रांजिटिव है तभी वो पैसिव में बदले जाने की भूमिका रखेगा, अदरवाइज नहीं। The sentence has no object that is no quality to be the change from active to passive. अगर कोई वाक्य इसमें कर्म ना हो वो वाक्य आपका पैसिव में बदले जाने की भूमिका नहीं रखता, जो पैसिव में बदले जाने का गुण नहीं रखता। और इंट्रांजिटिव वर्ड्स में क्या होता है कि आपने केवल वर्ब डोमिनेट करता है, उसमें ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं। आप देखिए वो खा रहा है, क्या सेव, वो क्रिया मतलब खाना किस पर गठित हो रहा है? सेव पर, है ना, किसी वो आपको खा रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो कभी कभी जब हम पैसिव पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं किसी को हमारे द्वारा खाया जाए, ये नहीं किसी को बनाने को खा रहा है, ऐसा नहीं करते ना। जब आप चिट्ठी पढ़ते हैं तो कहने का तात्पर्य द्वारा लगा दिया है, ठीक। तो ये चीज़ें ये आप ध्यान रखेंगे, आपके पैसिव के लिए बहुत जरूरी है। और ये और दूसरा सेंटेंस को फाइंड आउट करना, दिए गए वाक्य के टेंस को फाइंड आउट करना, कौन सा टेंस है कैसे पता चले इस तरह, ठीक। और जो प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा और जो समझा होगा प्रकार वो आपने सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कई वर्ब के प्रकार सुने, ठीक। तो प्राइमरी वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब कहें या प्राइमरी एक्सिलरीज, ये दोनों क्या हो, एक ही हो, चाहे प्राइमरी एक्सिलरीज के लिए प्राथमिक सहायक क्रिया के लिए या इसी में लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब ऐसा होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उसका ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें वर्ब डिपेंड करेगा, या ऐसा इसमें कि क्रिया भले ना हो लेकिन वो क्या हो, सब्जेक्ट। जैसे ही इज गुड, है ना, ये सब ये वर्ड क्या है, लिंकिंग वर्ड। क्योंकि लिंकिंग वर्ड का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करना, इसमें वर्ब हो चाहे ना हो लेकिन सहायक क्रिया ऐसी जो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करे, ऐड करे। लेकिन केवल इतना ही नहीं देखेंगे, लिंकिंग वर्ब का काम है लिंकिंग वर्ब किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट का संबंध उसके ऑब्जेक्ट उसके कॉम्प्लीमेंट उसके वर्ब से क्या करता है, दर्शाता है। लिंकिंग मतलब ना संबंध स्थापित करता है, क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब। लेकिन लिंकिंग वर्ब मोस्टली प्योर कहलाते हैं, इज एम आर वाज वर्ब, ये सब क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका टेंस में भी अस्तित्व है और बिना टेंस भी। ही इज गुड इसका मतलब है, ही इज रनिंग उसका भी मतलब है, ये दोनों में भूमिका अपनाते हैं। लेकिन हैश के साथ ऐसा कुछ नहीं, हैश टेंस के अनुसार आता है, ठीक। समझ आ रही बात, इस तरह लिंकिंग वर्ब को समझने की पड़ेगी। और मॉडल एक्चुअली आप जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, देयर, नीड, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल क्यों कहते हैं, मॉडल क्यों कहते हैं, मॉडल एक्सिलरीज को मॉडल क्यों कहते हैं, बताइए। मॉडल एक्सिलरीज को मॉडल क्यों कहते हैं, हम किसी मॉडल को मॉडल क्यों, मॉडल सुने ना, मॉडलिंग ऐश्वर्या राय मॉडलिंग करते हैं, दीपिका पादुकोण मॉडलिंग करते हैं, अपकमिंग डेट में महिमा मॉडलिंग करते हैं। तो ये क्या है मॉडलिंग, मॉडल क्या होता है, मॉडल मॉडल करने का मतलब जिसका अपना एक अस्तित्व और अपना एक पहचान है, जिसे लोग कॉपी करते वो लोगों को नहीं, मॉडल ये ना कि हम इनकी तरह, इसलिए हीरोइन को देखते ना इनकी तरह,
उनकी तरह होने का मतलब आप उनकी क्या है, कॉपी कैट। मॉडलिंग करना क्या, उनकी तरह बनना, उनकी तरह झुमके डालना, उनकी तरह लिंगिया लगाना, टीका लगाना। स्त्रियाँ मोस्टली यही मॉडलिंग में कॉपी आई है, उनके पुराने की कला को नहीं कैसे प्रो रही है तो हम लोग नहीं सीख ले। ये मॉडलिंग में नहीं आया, उनका हार पहनने ज़्यादा मॉडलिंग है। गजब, काश कि ऐसा मेरे पास। हमारे पास मॉडलिंग कुछ ऐसे ही आया, क्वालिटी बड़ी कम तो अलग है। ऐसे कि कभी कभी हम पढ़ा रहे हैं तो गुरु जी थोड़े मारे हैं, दिमाग खा रहे हैं, नॉट द मॉडल, है ना। ये नहीं चाहे कि सर पढ़ा रहे हैं, हम भी सोचते कि ऐसा कुछ हूँ ऐसा बोलूँ, जो सोचते भी होंगे दे आर ट्राई टू बी बिहेव एज एन इंग्लिश, हम भी वैसा ही बोलें ऐसा ही करें। तो मॉडलिंग करना, तो मैं मॉडल तो हूँ नहीं, मैं बाकायदा कह रहा हूँ इंग्लिश ऐसे बोलें, है ना। तब आपके दिमाग में जाएगा तो पढ़ा रहा हूँ, दिमाग का दही हो रहा है, अरे सिलेबस पढ़ा रहे हैं क्या। मॉडलिंग मीन्स इसका, तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये काम हेल्पिंग वर्क की तरह ही करते हैं, सहायक क्रिया की तरह ही करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्क की तरह नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्क टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, ये टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, क्रिया को स्टेबल करता है। लेकिन यहाँ पर ये अपने अकॉर्डिंग टेंस बनाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते। जैसे कैन प्रेजेंट होता है, कुड क्या होता है, पास्ट। यहाँ पर क्रिया का पास्ट नहीं करते, अगर कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कुड के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते। तो हर मॉडल का अपना अस्तित्व, ये अलग वर्चस्व रखते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं मॉडलिंग, मॉडल, ठीक। एक्सिलरीज जो काम किसी भी वाक्य की सहायक क्रिया का ही करते हैं, लेकिन इनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो अपनी अस्मिता को किसी वाक्य में बनाए रखते हैं, तो क्या कराते हैं, मॉडल या मॉडल, ठीक। जैसे आप मॉडल को समझते हैं वही मॉडल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हुए, लेकिन पढ़ने के संदर्भ में समझते हैं, ठीक। काफ़ी कुछ समझा दिए आपको मॉडल को समझाने, तो बी द मॉडल देन टीचर। इसीलिए मैं कहता हूँ अ टीचर शुड हैव टू बी द मॉडल देन टीचर, या किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को प्रतिमान होना चाहिए उपदेशक की अपेक्षा। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के तुम ऐसा करो वैसा करो वैसा करो है, लेकिन मैं खुद ना करूँ तो आपको प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये मैं खुद गंदगी फैलाता जाऊँ और आपको सफाई का लेक्चर देता है, सफा रखो सफाई करो, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो मॉडलिंग मतलब ट्राई टू डू टू योर सेल्फ, ठीक। टू वर्क समझ में आ रहे टाइप्स, एनी डाउट्स किसी को, नो डाउट्स, अभी पूछे तब डाउट्स निकल निकल के उभर उभर के उछल उछल के हैं, अभी किसी को कोई डाउट। तो वर्क, वर्क टाइप्स और इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पर होते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस। वर्क की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ होती है, जब आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं और मेन वर्ब भी आते हैं। और वर्ब के क्या होते हैं, फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, है ना। जैसे जेरेंडियल फॉर्म और आई एनजी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म और एक्चुअल फॉर्म, ठीक। तो ये है, अगर जो कुछ नहीं, जो कुछ नहीं लिखा है वो लिख लीजिए, बुझाया।